Okay. I'm audible, no? Audible and visible? Yes, ma'am. Good morning once again. So we have finished lately OPAM chapter. Yeah, we finished the chapter OPAM. So we come back to paper two now for the next. So I was thinking of finishing all theory first. Theory chapters. Okay, major chapters paper one ke jo major chapters hai, jo jiska weightage sabse zyada tha wo humne cover kar liya hai. Power supply and OPAM. Okay, ek aur hai modern communication. Wo second rank pe aata hai, second ya third rank pe aata hai weightage ke hisab se. Wo ye chapter ke baad hum karenge. Theek hai? Major aapke jo scoring chapters hai, major जो जिसमें ज्यादा वेटेज है वो हमने कवर कर लिया है पेपर वन में. पेपर टू में फर्स्ट टू चैप्टर्स कर लिया है. वेरी स्कोरिंग वो पहले इसीलिए लिया है कि आप प्रैक्टिस करें उसका, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग है और एंड इट्स वेरी इजी. ओके, सो द टू चैप्टर्स आर ओवर एंड नाउ आई एम टेकिंग द लास्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, विच इज 100% थियोरी चैप्टर. आपको पढ़ के लिखना है. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एंड इट इज यू नो प्योर थियोरी. लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, बस. ठीक है? तो और इसके बारे में तो एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक में दिया है उससे अपडेटेड नॉलेज है हम सबके पास, आपके पास, मेरे पास, क्योंकि इसमें जो मेमोरी डिवाइसेस दिए हैं या फिर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स दिए हैं उससे कई ज्यादा हम एक्चुअली अभी यूज कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इसके बारे में सब बात किया. स्टोरेज के लिए, हम स्टोरेज के लिए क्या यूज करते हैं? हम पेन ड्राइव्स यूज करते हैं. हम तो अभी सीडी भी यूज नहीं करते. सीडी डीवीडी अभी यूज करते हैं क्या? वो भी अपडेटेड हो गया. नो मैम, सीडी डीवीडी भी निकल गया, वो जमाना भी निकल गया. अभी तो पेन ड्राइव्स है, हार्ड डिस्क है, यू नो अलग अलग तरीके से है. ऑनलाइन क्लाउड्स में हम डालते हैं अपना डेटा. कोई लोग तो डाउनलोड भी नहीं करते, अपने क्लाउड में रहता है अपना डेटा, है ना, तो वो डाउनलोड भी नहीं करते, क्लाउड में सेव कर किया जाता है. तो ऐसे बहुत 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 सारे न्यू टेक्नोलॉजी से जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं बिकॉज यू सीन ऑल दिस. ओके, यू सीन व्हाट अ कंप्यूटर इज, यू नो व्हाट अ कंप्यूटर इज, यू ऑपरेटेड व्हाट अ कंप्यूटर. आई होप एवरीबडी हैज एटलीस्ट ऑपरेटेड अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर इन इन देयर लाइफ. एटलीस्ट फोन से तो अपना होता ही है ना इनपुट आउटपुट. तो इट्स कंप्यूटर इज ऑल्सो डिजिटल, फोन मोबाइल इज ऑल्सो डिजिटल डिवाइस. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस एंड वी विल फिनिश. ऑल डेफिनेशंस है एंड समझना है आपको और लिखना है उसके बारे में. ओके, तो मुझे पहले बताओ, मैं ये जो डिवाइस दिखा रही हूँ ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस ऑफ अ कंप्यूटर? कीबोर्ड. Everybody knows this, right? This is a keyboard. ठीक है? अभी मैं तो CPU दिखा नहीं सकती because मेरे desktop के inbuilt है. CPU आजकल सब mostly सभी desktops में, laptops में inbuilt रहता है, उसके अंदर CPU रहता है. पुराने computers अगर किसी के घर में हैं, तो आप एक डब्बा देखोगे black color का, black color, white color का एक बड़ा सा डब्बा रहता है. That is known as the CPU, central processing unit. Okay? So what is a computer? उसके elements क्या क्या हैं? वो सब हर एक का मैं ऐसे बोलूंगी तो कुछ मजा नहीं आएगा, right? So I'll just show you how it looks. So that will be very interesting. Fine? तो देखते देखते हम पढ़ेंगे तो वो interesting रहेगा. दिख रहा है? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर 7 है. ओके, इट्स जस्ट गॉट 8 मार्क्स, बट इसमें ये लूज नहीं करना ये मार्क्स, बिकॉज ये इसके इसमें जो जो कंसेप्ट है ना ये सब हमें पता है. ये वी जस्ट नीड टू सी इट अ लिटिल बिट इन डिटेल और बाकी तो हमें पता है कंप्यूटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत ईजिली हम समझ जाएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज अ कंप्यूटर? ऐसा कंप्यूटर देखा होगा, इनफैक्ट इससे भी एडवांस्ड, इससे भी एडवांस्ड डेस्कटॉप्स आते हैं आजकल, जिसमें इसमें तो स्पीकर, ये देखो ये स्पीकर है, ये सीपीयू है, लेकिन आजकल ये सब इसके अंदर ही आ जाता है, इनबिल्ट आ जाता है. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द माउस, दिस इज द कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइसेस है.
ठीक है, आगे आएगा वो क्या होता है, ठीक है. सो इट इज क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे एक सिस्टम होता है, एक डिवाइस होता है, एक डिजिटल सिस्टम होता है. डिजिटल है ये, आपको पता है, राइट? डिजिटल, इट वर्क्स इन बाइनरी नंबर 0 and 1. वर्क्स ओनली ऑन 0 and 1. ओके, आप कुछ भी लिखो, आप लिखो आपका नाम श्रुति, लेकिन वो अंदर जाके वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. ओके, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ डिजिटल कंप्यूटर. फाइन, and it can solve problems, it has calculators, it has many many things inside. Okay, now what is the block diagram, iske andar kya hai ye aapko exam mein pucha jata hai. Okay, matlab every alternate year this is asked, draw the block diagram and explain every block. So aap pehle ek chota sa introduction likhenge kya hai digital computer, uske baad aap likhenge the drawing करोगे, उसके बाद एक एक ब्लॉक को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है. इनपुट पहला ब्लॉक है CPU, जो आप वायलेट कलर के बॉक्स में दिख रहे हैं, दैट इज द सेकंड ब्लॉक. थर्ड ब्लॉक इज आउटपुट. ओके, तो ये जो CPU है, तो आप सिर्फ CPU को एक्सप्लेन करेंगे क्या? नहीं, उसके अंदर क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये सब एक्सप्लेन करना है, ठीक है. चलो वन बाय वन देखते हैं. इनपुट, इनपुट मतलब मैं कीबोर्ड से कुछ या माउस से जो कंप्यूटर को दे रही हूं, दैट इज इनपुट. ओके, तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी यू नो द डेटा विच आई एम गिविंग, नंबर विच आई एम एंटरिंग, कुछ भी हो सकता है. समझ में आया क्या? यस मैम. मेरा स्क्रीन थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ, सो दैट यू गाइज कैन रीड व्हाट इज देयर. दोस आर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज पॉज एंड रीड. ओके, तो क्या कुछ भी इनपुट कीबोर्ड से मैं, जैसे मैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैं टाइप करती हूँ, राइट? दैट इज द डेटा आई गिव द कंप्यूटर, सो दैट इज माय इनपुट. व्हाटएवर इनपुट आई गिव टू द, इट कैन बी डेटा, इट कैन बी स्कैनिंग मशीन अगर है तो मैं कुछ स्कैन कर रही हूँ, तो वो माउस से मैं कुछ क्लिक कर रही हूँ, सब इनपुट डेटा होता है. ओके, अब आता है सीपीयू. सीपीयू में दो चीजें होते हैं, कंट्रोल ALU एंड कंट्रोल यूनिट. ओके, ये दिख रहा है आपको ALU. ALU, मेरा कर्सर देखिए, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, नाम ही है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक मतलब मैथ्स, है ना, मैथ्स करने वाला एक यूनिट है और वो कंट्रोल करने वाला एक यूनिट है, ठीक है. सो क्या होता है ALU में, मैं हमने लॉजिक गेट्स में देखा था, वहां पे मैथ्स मैथमेटिक्स कौन कैसे किस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथमेटिक्स किससे होता है, गेट से होता है, याद है आपको? एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, याद है? एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है, और गेट में एडिशन होता है, तो यही सब चीजें हैं ALU. इट परफॉर्म्स द बेसिक, आप उसको इंटीग्रेशन करने बोलोगे तो थोड़ा सा ये होगा, ऑब्वियसली आजकल के कंप्यूटर में वो भी होता है, बट मैं बोल रही हूँ कि बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो इजिली ALU में हो जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज अ कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट सब टास्क को कंट्रोल करता है. अब आप कॉलेज जाते हो तो आपको कोई रूल वूल नहीं रहता कि आप कहीं पे भी कैसे भी बैठ सकते हो, नहीं, आपको कुछ रूल्स दिए हुए थे, ये टाइम से ये टाइम तक आपको ये पीरियड में बैठना है, ये टाइम से ये टाइम तक आपको वो पीरियड में बैठना है, ये क्लासरूम में बैठना है, वो लैब में बैठना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, है ना. तो कंप्यूटर में भी ऐसे हजारों यू नो ऑपरेशंस होते रहते हैं, जैसे अभी मेरा जूम भी चालू है और पीपीटी भी चालू है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई होना चाहिए, राइट? नहीं तो हैंग हो जाएगा. दिस इज डन बाय द कंट्रोल यूनिट. उधर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, जूम लेफ्ट राइट हैंड साइड कॉर्नर में जाके बैठ जा, पीपीटी बाकी का स्क्रीन ले तू. तो ये सब कंट्रोल करने के लिए यू शुड हैव सिग्नल्स. वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है. मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, अभी कोई फाइल सेव करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है, पीपीटी सेव करना है, आप सेव करते हो लैपटॉप में कुछ, आपके फोटोज तो कम से कम आप सेव करते हो, है ना. फोटोज, सपोज मैं फोन बदल रही हूँ तो मैं फोन बदल, पुराने फोन में जो फोटोज है मुझे कहीं सेव करना है, तो आप कहाँ आपके मेमोरी यूनिट्स हैं आपके कंप्यूटर में, यू कैन पुट इट ओवर देयर, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है. प्राइमरी मेमोरी मतलब टेम्पररी डेटा, वो कभी भी उड़ सकता है, वोलेटाइल है वो, मैं मतलब ऐसे बोल नहीं सकती कि वो रहेगा ही 5 साल बाद, नहीं, ठीक है, वो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है. रैम है,
primary memory. What is RAM? What is the example of a primary memory? Mera cursor dekhiye. RAM, that is random access memory. That is the primary memory. ठीक है? ये permanent है क्या? नहीं. हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके फोन में भी रैम है. आप जो फोन खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो कितना मेमोरी है इसका, तो वो बताता है रैम उसका इतना है, इतना है, क्या है, प्रोसेसर कितना है, मेमोरी कितना है वगैरह. सो इट्स नॉट परमानेंट. वो आप कहीं और हार्ड डिस्क में वगैरह सेव करके रखते तो ठीक है, बट वो लाइट चली गई एकदम बीच में से तो वो सेव वेव नहीं करेगा. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होता है. सेकेंडरी मेमोरी मतलब वो लाइट भी चली गई बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेव करके रखा, दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी. हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी मेमोरी. मेरे पास एक हार्ड डिस्क है लेकिन हाँ, ये देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, छोटा सा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, दिस इज अ हार्ड डिस्क. ओके, ये कितने तो भी टेराबाइट्स का है, ये बहुत बहुत ज्यादा मेमोरी है. तो इसमें अभी मेरा कंप्यूटर तो बार बार फुल होते जाता है, डॉक्यूमेंट्स आते रहते, तो क्या करूं मैं, वो फुल हो जाएगा, है ना, स्लो हो जाएगा, मैं और नहीं ऐड कर पाऊंगी, तो वहां से निकाल के मैं यहाँ पे सेव करती हूँ. दिस इज अ सेकेंडरी मेमोरी. ये अभी लाइट चली गई तो इसको कुछ होगा क्या? नो मैम, कुछ नहीं होगा, ये तो रखा है ड्रॉअर में, मैं कभी भी उठा के पेन ड्राइव जैसे लगा सकती हूँ इसको, समझा? So this is a secondary memory. लेकिन अब जो मैं अगर वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ, एकदम से लाइट चली गई, तो कुछ लेटेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स में वो लोग रिस्टोर करते हैं, कभी कभी नहीं मिलता, वोलेटाइल है वो, इट इज अ प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जहां से मुझे आउटपुट दिखेगा, स्क्रीन आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर अंदर से बाहर आता है ना, अंदर से बाहर आता है कि नहीं? हाँ, वो भी आउटपुट डिवाइस है. प्रोजेक्टर कंप्यूटर से बाहर देता है, वो जो भी कंप्यूटर से बाहर आता है दैट इज द आउटपुट. ठीक है, स्क्रीन ऑब्वियसली अंदर से मुझे बाहर दिखा रहा है वो स्क्रीन, तो आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है. ठीक है, क्लियर है? अब आता है बस. ठीक है, बस मतलब नॉर्मल बस का क्या डेफिनेशन है? नॉर्मल जो रास्ते पे चलने वाला बस है, क्या है वो, क्या मतलब है बस का? आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो बस से? मैं रास्ते पे चलने वाले व्हीकल की बात कर रही हूँ. बस एक एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो बस से, है ना? यस मैम. ये मतलब ही है यहाँ पे, मतलब वही है यहाँ पे. बस ये है कि वो कहाँ जा रहा है, बर्डी जाना है, ये देखो मेरा कर्सर, बर्डी जाना है या धर्मपेट जाना है या कुराड़ी जाना है या खामला जाना है, तो ये जो और सब सबका मतलब ओरिजिनल सोर्स है कि सीपीयू, क्योंकि वहां पे काम हो रहा है ना, एरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, बाकी के कंट्रोल सिग्नल्स हो, वो सब वहीं पे हो रहा है. आपको कौन सा बस पकड़ना है ये आप डिसाइड, वो सिग्नल डिसाइड करेगा. समझ में आया? कुछ डेटा है, जैसे मैंने 1+1 कितना है ये कैलकुलेटर को पूछा है, तो वो डेटा हुआ 1+1, ये डेटा हुआ, है ना? Yes, मेरा डेटा है ना 1+1, तो कौन सा बस पकड़ेगा वो? ये सेकंड वाला दिख रहा है आपको, डेटा बस सेकंड वाला दिख रहा है, ये वाला बस पकड़ेगा और मेमोरी में जाएगा वो. अगर मैंने बोला शट डाउन कौन सा है? डेटा है क्या शट डाउन? नहीं, वो एक सिग्नल है, सिग्नल है वो, है ना, कि बंद हो जा कंप्यूटर, तू बंद हो जा, तो वो कंट्रोल बस पकड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल है, है ना? सो कंट्रोल सिग्नल है, वो सब जगह जाएगा और बंद कर देगा सबको. समझ में आया? क्लियर है? एड्रेस बस होता है हर सिस्टम में, एक एक जैसे आपका एक अलग एड्रेस है, मेरा एक एड्रेस है, वैसे हर डेटा का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस के लिए होता है एड्रेस बस. ठीक है, दिस इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, सीपीयू के तरफ नहीं जाता है, सिर्फ सीपीयू से बाहर आता है, दिस इज द ओनली यूनिडायरेक्शनल बस, बाकी सब बाई डायरेक्शनल है. आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो सीपीयू में. दिख रहा है आपको एरो? एरो एड्रेस बस में एरो नहीं है, सब नीचे की तरफ ही है एरो, मतलब सीपीयू से एड्रेस मिलेगा, आप सीपीयू को एड्रेस नहीं दे सकते. समझ में आया? क्लियर है? yes. जैसे मैं म्यूनसिपालिटी को, मैं आज कोराड़ी में रहूंगी और फिर कल धर्मपेट में रहूंगी, ऐसे नहीं बोल सकते, आपका एक परमानेंट एड्रेस होना चाहिए. समझ में आया? क्लियर है? बस ओके.
ये देखिए इनपुट, और इसमें बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत कम दिया है मैंने, फिर भी बहुत कुछ ऐड किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है। कीबोर्ड से मैं इनपुट दे सकती हूँ, ऑप्टिकल पेन, आजकल सैमसंग में, सैमसंग भी छोड़ो आईफोन्स में भी आपके पास ऑप्टिकल पेन एक्चुअली बहुत आउटडेटेड है। अभी तो टच स्क्रीन में, टच स्क्रीन जहां जहां फोन है उसमें एक स्लाइडर मिलता है, देखा है क्या आपने? सैमसंग के फोन्स में भी रहता है, S20 में वगैरह है, साइड में एक पेन होता है, वो पेन निकाल के आप लिख सकते हो स्क्रीन पे, पता है आपको उसके बारे में? लेनोवो के लैपटॉप्स पे भी ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे लिख सकते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ एन ऑप्टिकल पेन। ओके, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सब इनपुट डिवाइसेस है। मेरे से डेटा लेके कंप्यूटर पे देगा वो, है ना? सही बोला ना मैंने? सही बोला क्या? हाँ, आउटपुट डिवाइसेस देखो, जो कंप्यूटर से मुझे मिलेगा, जो कंप्यूटर से मुझे मिलेगा, हेडफोन्स, गाना कंप्यूटर से मुझे मिलेगा, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, ठीक है? क्लियर है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? ये वही चीज है। ये देखो, ये पेन दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर देखो, ये पेन दिख रहा है आपको? हाँ, टच स्क्रीन में करने के लिए आप पहले तो ऐसे, जब यू नो टच स्क्रीन इन्वेंट हुआ था पहले तो आप वो पेन से ही वो टच होता था। अब तो टच स्क्रीन अपने फिंगर्स से भी टच हो जाता है ना। आप फोन वोन यूज करते हो तो पेन यूज करते हो क्या? नहीं, नो, आप हो जाता है। सो दैट दिस इज अ लाइट पेन, इसको लाइट पेन बोलते हैं। ये दिख रहा है आपको इन्होंने जो ये किया है, तो दिस इज नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मतलब ये जो मुझे सपोज ये पढ़ना नहीं आता, तो ये पेन से मैं इसको स्कैन करूंगी, ये जो लाइंस लिखे हैं ना, ये लाइंस स्कैन करूंगी, और ये वायर दिख रहा है आपको, दिस वायर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, सो इट रीड्स एवरी अल्फाबेट एंड पुट्स इट इनटू द कंप्यूटर, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन ईदर टेक अ प्रिंट आउट और यू कैन लिसन टू व्हाट इट इज रिटन और एनीथिंग, बेसिकली इट रीड्स व्हाट इज देयर रिटन। समझ में आया? क्लियर है? यस मैम। This is a magnetic ink character recognition. इसका एक advanced type मैं आपको बताती हूँ। इसका एक advanced type है card reader. आप shopping करने जाते हो तो आप card देते हो कभी कभी swipe करने के लिए billing section में, तो वो card कभी कभी swipe करते हैं। इस वो magnetic ink recognition नहीं है, लेकिन that's a type of you know magnetic reading. Black color का strip रहता है आपके cards में, रहता है कि नहीं? Yes, ma'am. उधर आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है, तो मैग्नेटिक वो इससे वो रीड करता है वो आपका इंफॉर्मेशन। सो दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस, मेरे से इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर को देंगे। सही बात है? Yes, ma'am. ओके, प्रिंटर्स, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मानते हो? आउटपुट डिवाइस है ना, कंप्यूटर से मिलेगा ना मुझे आउटपुट। मैं सपोज ड्राइंग बना रही हूँ एक पेड़ का, तो मैंने पेड़ का ड्राइंग बनाया, तो कंप्यूटर से मुझे मेरे हाथ में वो पेड़ का फोटो मिलेगा। सो दीज आर प्रिंटर्स। सो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स इज इंकजेट प्रिंटर, जो लेटेस्ट है, आपको कलरफुल प्रिंटिंग, एकदम कलर्ड प्रिंट आउट अच्छा वाला मिलेगा। लेजर प्रिंटर, उसमें भी कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों आता है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन है, ये आजकल मार्केट में है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर मतलब उसमें आप जेरोक्स भी निकाल सकते हो, समझा क्या? ये दिख रहा है आपको, ये मेरा कर्सर देखो, ये एरिया दिख रहा है क्या? यहाँ पे आप जेरोक्स भी निकाल सकते हो और नीचे आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सो दिस इज अ मल्टी फंक्शन प्रिंटर। फोटो प्रिंटर, फोटो निकालने के लिए स्पेशल प्रिंटर्स होते हैं, और 3D प्रिंटर, ये सब इसमें से सिर्फ दो या तीन ही है आपको इसमें, क्या बोलते हैं उसमें, आपके टेक्स्ट बुक में। 3D प्रिंटर्स आप यूज कर सकते हो फ्लेक्स वेक्स बनाने के लिए, ठीक है? प्लॉटर, आपने कभी वो देखो मेडिकल, इसमें मेडिकल आपने अगर ECG वगैरह देखा है तो ऐसे 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 ग्राफ बना हुआ दिखता है क्या? देखो मेरे बोर्ड पे दिख रहा है, ऐसे देखा है आपने? तो इसको बोलते हैं प्लॉटर। इट एक्चुअली प्लॉट्स द ग्राफ, जैसे ECG वगैरह है वैसे वो लाइन 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 में वो प्लॉट करता है, इसको बोलते हैं प्लॉटर। उसको प्रिंटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? प्लॉटर। तो ये
dot 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 dot, either it can be dots or lines, line 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 करके कुछ measure करने के लिए input या output measure करने के लिए plotters use किया जाता है, ठीक है। अब पुराने जमाने में ना क्या होता था पता है, जैसे मैं हमारे बचपन में भी ये था कि जो रिकॉर्डिंग होता है या गाने होते हैं ना कैसेट में स्टोर किया जाता है, कैसेट में, उसका फोटो में डालना भूल गई, एक स्ट्रिप आता है ओके, और वो स्ट्रिप में सब स्टोर रहता है। आपने पुराना वीसीआर वगैरह देखा है क्या? आई डोंट नो इफ यू हैव सीन ऑल दिस, हमने देखा है ये सब वीसीआर, सीडी के पहले, सीडी के पहले था वो वीसीआर वगैरह, तो उसमें कैसे डेटा फिल्म में स्टोर रहता था। ब्लैक कलर का ये फिल्म दिख रहा है आपको, कैन यू सी दिस फिल्म? या तो उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो इसमें फिल्म जो फोटोज है या वीडियोज है इसमें स्टोर किया जाता था और फिर ये कंप्यूटर को अटैच किया जाता था देखने के लिए। अभी लेकिन ये कोई यूज नहीं करता, अभी तो हम फोन में वीडियो ले लेते हैं और वीडियो आप यूएसबी से कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर क्लाउड से शेयर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। समझ में आया? आजकल फिल्म विल्म को यूज नहीं करते, या फिर पेन ड्राइव भी यूज होता है, आजकल पेन ड्राइव वगैरह भी यूज हो सकता है। अब मेमोरी, कितने टाइप के मेमोरीज है? थ्री मेन टाइप्स ऑफ मेमोरीज है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मैंने बताया, प्राइमरी मेमोरी क्या था? जो गारंटी नहीं है, उड़ सकता है वो, जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जब तक मैं हथौड़ा लेके नहीं मारूं वो खराब नहीं होने वाला, मेरे फोटो उसमें सेफ है। समझा ना तुम लोगों को? कैश मेमोरी, देखो कैश मेमोरी मतलब कभी कभी आप अगर वेबसाइट्स कुछ ओपन करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आता है कैश मेमोरी, या फिर कुकीज, अलाउ कुकीज, मतलब ऐसे एक मेमोरी अगर मुझे एक वेबसाइट ओपन करना है तो वो थोड़ा सा मेमोरी लेगा, उसमें से फोटो वगैरह, थोड़े फोटोज वगैरह दिखाने के लिए थोड़ा उसको मेमोरी चाहिए, दैट इज नोन एज कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी बोलते, फाइन। ये देखो प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में आपको डेफिनेशंस आते हैं, इट इज, दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। Okay, so what are the types of primary memory? First one, RAM, full form yaad rakhna hai. RAM, what is the full form of RAM? Random access memory. ये memory में आप लिख भी सकते हो, read भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब अगर आपने एक file बनाया है और वो RAM में saved है तो मैं भी उसको खोल के उसमें कुछ लिख सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ आपका डेटा, सब कर सकती हूँ, दिस इज नोन एज रैम, ठीक है। रॉम ऑन द अदर साइड इज फिक्स्ड मेमोरी, आप उसमें लिख नहीं सकते, आप सिर्फ पढ़ सकते हो। समझ में आया? आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या फुल फॉर्म है उसका? रॉम का, रॉम का क्या फुल फॉर्म है? रीड ओनली मेमोरी, आप सिर्फ वो फाइल को पढ़ सकते हो, आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, इट इज नोन एज रीड ओनली मेमोरी। समझा? क्लियर है? यस। चेंज नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द रॉम, ओके। और रॉम में अगर कुछ है, ऑब्वियसली आप कुछ चेंज नहीं कर सकते तो वो फिक्स्ड है, मतलब है ना, तो लाइट वाइट गई तो भी रॉम में कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फाइल वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। बट इसमें रैम में अगर कुछ रखा है और एकदम से लाइट चली गई तो डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं है आपके फाइल का। क्लियर है? समझ में आया? ये दो मैंने लगा दिए इसके टाइप्स, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, SRAM एंड DRAM, इट इज स्टैटिक मेमोरी एंड डायनामिक मेमोरी, ठीक है, बस याद रखो स्टैटिक मेमोरी डायनामिक मेमोरी, फाइन। RAM याद आया, आप लिख सकते हो पढ़ सकते हो उसके अंदर जो भी फाइल्स है, ठीक है। सपोज XYZ कोई भी एक इंसान ने, स्वाति नाम के एक इंसान ने उसमें एक फोटो डाला है, उसमें मैं कलरिंग भी कर सकती हूँ, वो पढ़ भी सकती हूँ, ठीक है, लेकिन लाइट जाएगी तो वो चला जाएगा। रॉम में मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाला तो तुम में से कोई भी उसको टच नहीं कर सकता, सिर्फ पढ़ सकते हो। समझ में आया? और लाइट चली गई तो भी वो वहीं के वहीं रहेगा, इट्स नोन एज रीड ओनली मेमोरी।
क्लियर है? उसके तीन टाइप्स देखिए, प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल मतलब मैं प्रोग्राम करके, मैं मेरा दिमाग लगा के बनाऊंगी वो मेमोरी, दैट्स नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट ईप्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. इसमें मैंने क्या बोला, रॉम में जो फाइल्स है वो आप उड़ा नहीं सकते, है ना, वो फिक्स्ड है. लेकिन ई प्रॉम में क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करके जो अनवांटेड फाइल्स है मैं निकाल सकती हूँ, इट इज इरेजेबल. इसलिए उसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये दिख रहा है आपको, ई पी आर ओ एम दिख रहा है? हाँ. Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है, दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मतलब इरेजेबल का क्या मतलब है, इरेजेबल मतलब जो इरेज कर सकते, ठीक है. लेकिन कैसे इरेज करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करके. आपको चिप है, वो चिप डालना पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट रेज के मशीन के नीचे, तो वो डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. अगला वाला इलेक्ट्रिकल, ये देखो ई स्क्वायर प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. अगेन दिस इज थोड़ा स्लो है ये, और ये इलेक्ट्रिकली आप पूरा उसको डिलीट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली पूरा डिलीट हो सकता है डॉक्यूमेंट. बाकी कोई भी इसमें मैं टच नहीं कर सकती, रॉम में जो डॉक्यूमेंट्स है. लेकिन ये दोनों में, ये जो ई प्रॉम है उसमें थोड़ा बच पूरा 100% क्लीन नहीं होता, बट ई स्क्वायर प्रॉम में इलेक्ट्रिकली 100% में पूरा खाली कर सकती हूँ रॉम का एरिया. आई कैन डिलीट एवरीथिंग. क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एक बार फिर रिवाइज करेंगे. रैम का फुल फॉर्म बताइए, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम का फुल फॉर्म बताइए, रीड ओनली मेमोरी. प्रॉम का फुल फॉर्म बताइए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ई प्रॉम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. स्क्वायर प्रॉम, इसको ई स्क्वायर प्रॉम भी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है. व्हाट डज ई स्क्वायर प्रॉम स्टैंड फॉर, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, व्हाट डज ईप्रॉम स्टैंड फॉर, कंफ्यूज नहीं होना. इसलिए मैं ले रही हूँ वापस. ई स्क्वायर प्रॉम का बताइए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली. क्लियर है? यस यस मैम. ओके, ये देखो, ये सीडी वगैरह देखा होगा ना आपने, एटलीस्ट देखा तो है. यस मैम. कहीं ना कहीं देखा होगा आपने. यहाँ पे ये डिस्क होना चाहिए, फ्लॉपी डिस्क है ये. ये देखो, दीज आर ऑल नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. ये लाइट गई तो ये जाएगा क्या? सीडी, सीडी को पकड़ो, मेरा कर्सर देखो, सीडी को देखो. लाइट जाएगी तो सीडी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो अपने डब्बे में खुश है, कुछ नहीं होगा उसको. अंटिल एंड अनलेस मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ उसको हीट या यू नो फिजिकल डैमेज की वजह से, तो तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला. समझ में आया? सो दिस इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी. इसको कुछ नहीं होता, ये लाइट इट्स नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट. ठीक है, वो उसको लाइट जाने के जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग एनी डेटा, म्यूजिक, गाने. गाने स्टोर करना है, गाने डाउनलोड करके डालो. वीडियो स्टोर करना है, वीडियो डालो. फोटोज डालने हैं, फोटो डालो. डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स डालो. आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें. क्लियर है? तो पहले क्या था, पहले से ही सीडी वीडी था क्या? नहीं, पहले आया हार्ड. देखो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो खैर अभी भी यूज होता है, लेकिन पहले के हार्ड डिस्क देखो ऐसे दिखते थे, पूरे एल्यूमिनियम का बना है, पूरा एल्यूमिनियम. ठीक है, और वो कंप्यूटर के अंदर रहता था. फाइन, एंड दोनों डिस्क ऊपर भी है ऐसा एल्यूमिनियम, नीचे भी है, तो दोनों अपर एंड लोअर एरिया डेटा के लिए यूज होता था. ओके, और उसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटिंग रहता था हार्ड डिस्क. लेकिन आजकल के हार्ड डिस्क देखो कैसे आता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर के बाहर ही रहता है. मेरा स्क्रीन देखो, कंप्यूटर के बाहर लगा सकते हो आप, पेन ड्राइव जैसे यूज कर सकते हो आप, बहुत सारा डेटा यूज हो सकता है. मेरा ये 2000
इलेवन नहीं 2010 से मेरा डेटा इसमें है, 2010, अभी कितने साल हो गए, 11 साल, 11 साल से वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें सब इसके अंदर है, फिर भी इसमें स्पेस बचा है, अभी भी बचा है स्पेस, समझ में आया। 2-3 मूवीज हैं, सब सब सॉल्व सेव कर सकते हो आप हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क, दिख रहा है आपको फ्लॉपी डिस्क थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट कर दिया उन्होंने, पतला कर दिया, देखो दिख रहा है आपको फर्क पता चल रहा है, पतला कर दिया थोड़ा और प्लास्टिक ऐड कर दिया, सिर्फ बीच में ही है ये एल्यूमिनियम, प्लास्टिक है, ठीक है। ये फ्लॉपी डिस्क भी सीडी जैसे ही रहता था, आपको कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता था, उसमें ट्रांसफर करो एंड देन यू टेक बैक द फ्लॉपी डिस्क एंड यू कैन यूज इट एज अ पेन ड्राइव, जस्ट थिंक दैट ऑल दीज आर लाइक पेन ड्राइव्स, ओके। सो यू पुट इट इनसाइड अ कंप्यूटर, यू एड इंफॉर्मेशन इनटू इट, यू पुट डेटा इनटू इट, यू टेक डेटा फ्रॉम इट, एनीथिंग लाइक यू यूज अ पेन ड्राइव, दिस कैन बी यूज लाइक अ पेन ड्राइव, ओके। लुक एट दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ फ्लॉपी डिस्क, please follow my cursor, okay, look at this one, this is a cd to everybody knows, there is a yes, slot in every computer or laptop, this is also a hard disk, so these are all secondary devices, this is something which I was telling you, hamare hum jab bacche the, hum jab chote the, hamare time pe aise cassettes aate the, can you see this middle part, isme gaane bajte the, में गाने बजते थे, ये हम टेप रिकॉर्डर में डालते थे, बजाते थे तो गाना बजता, आपने देखा है क्या ऐसे, मेरे पास ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, होता तो मैं दिखाती। इसके अंदर एक ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप रहता है पतला सा, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक टेप, ओके, इट्स गॉट मैग्नेटाइजिंग कोटिंग ऑन इट एंड इट्स अ प्लास्टिक फिल्म, पतला सा एक, बहुत पतला सा ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप रहता है उसमें, उसमें गाने सेव्ड रहते हैं, कभी कभी वो अटक जाता है, फिर निकालना पड़ता है, फिर स्ट्रिप ठीक करो, यू कैन जस्ट सी इट एनीवेयर, अगर आपके आपके मम्मी पापा को भी पूछ सकते हो, मम्मी टेप रिकॉर्डर का छोटा सा कैसेट है क्या, होगा तो ठीक है, बट इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड नाउ, मुझे नहीं लगता कोई घर में ये रखते होंगे अभी, ओके। सो दिस इज मैग्नेटिक टेप, ओके, तो इसमें गाने सब कुछ सेव किया जाता था एंड टेप रिकॉर्डर में डाला जाता था, गाने बजते थे, वीडियो के लिए तो वीडियो कैसेट्स बनते थे, तो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप है, आपको दिख रहा है क्या स्ट्रिप्स, ये सब स्ट्रिप्स है, दिख रहा है आपको लाइन 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 दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, दैट्स द मैग्नेटिक टेप, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक टेप, समझ में आया, क्लियर है। अब ये जब सीडी के बारे में बोला, एक और चीज मैंने सीडी रोम नहीं दिखाया, सीडी रोम इट इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओके, तो उसको सिर्फ हम सीडी बोलते हैं, उसको एक्चुअली सीडी रोम भी बोला जाता है, ओके, बिकॉज इट इज रीड ओन, लेकिन देर इज स्लाइट चेंज इन दैट, रीड ओनली मेमोरी आजकल तो पहला लेटेस्ट डेवलपमेंट में सीडी में भी हम बदलाव ला सकते थे, मतलब एडिट कर सकते थे, जो सीडी में जो गाना है या फिर वीडियो है उसको हम एडिट कर सकते थे, लेकिन पहले पहले जो सीडीज निकले थे वो, अभी सीडी में एक मूवी है तो है, आप उसको कुछ टच नहीं कर सकते, लेकिन लेटर ऑन वी कुड एडिट दैट, वो मूवी निकाल के मैं नया मूवी उसमें बर्न कर सकती हूँ, समझ में आ रहा है, वैसे सब चेंजेस बाद में हुआ है इसके इसके इसमें। अब ये देखो हर पीसी, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, हर पीसी या हर मोबाइल खरीदते वक्त एक स्पेसिफिकेशन होता है, आप में से कितने लोग उसको ध्यान देते हैं मुझे पता नहीं, हर पीसी लैपटॉप हर इसमें स्पेसिफिकेशंस होता है, तो क्या होता है, व्हाट आर दीज स्पेसिफिकेशंस, मतलब उसमें मेमोरी कितना है, उसका स्पीड कितना है, राइट, उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो टच स्क्रीन है या नहीं, उसका आइडियल टेम्परेचर कितना है, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो एक आइडियल पीसी का स्पेसिफिकेशंस ये पूछा जाता है, ये जुलाई 2018 में भी पूछा गया था, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ पीसी, तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, टेक्सटबुक में एक रैंडम प्रोसेसर है 80386 SX करके,
एक प्रोसेसर का नाम दिया है और उसका पूरा स्पेसिफिकेशन है, कोई भी ले सकते हो आप, आपके आपके कंप्यूटर का भी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, नाम लिखना है उसमें कितना मेमोरी है, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप का वो कोर प्रोसेसर, देखो हर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर उसका उसका हार्ट, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अभी सपोज मैं, ठीक है, मेरा घर है, मुझे इस घर का स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो पहले मैं घर में जो मेन इंसान रहता है उसके बारे में लिखूंगी, हाँ या नहीं? उसके बाद वो 5 फुट का है, बाल काले हैं, 2 आंखें हैं, और क्या कुछ बीमारी है तो वो बीमारी है, चश्मा, आईसाइट में प्रॉब्लम है इसलिए चश्मा पहनती है, ये सब मेरा स्पेसिफिकेशन हुआ। समझ में आया क्या? सेम थिंग होता है कंप्यूटर में भी, तो आप कोई भी पीसी का लिख सकते हो, बट टेक्स्ट बुक में एक एक ऐसे रैंडम उन्होंने प्रेस प्रोसेसर लिया है, आपको वो लर्न करना है वो भी लर्न कर सकते हो। रैम 8 GB, आपको पता है ना मेमोरी किसमें मेजर होता है? बाइट्स, बिट्स, याद है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स के टाइम में बताया था, बिट्स बाइट्स याद है ना? 8 GB का है रैम, 256 MB या जो भी है रोम, इतना मेमोरी है, 2 स्पीकर हैं, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक ऑप्टिकल पेन है, टच स्क्रीन नहीं है, फिर उसका स्पीड इतना इतना MBPS है। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस। ये देखो यहाँ पे डिवाइस नेम है, ये प्रोसेसर, उसमें जो भी प्रोसेसर है वो, रैम कितने GB का है? 8 GB। उसका आईडी क्या है? आईडी, हर हर प्रोडक्ट का के पीछे आईडी रहता है, प्रोडक्ट में आपको दिखाओ क्या, मेरे इसमें भी है प्रोडक्ट आईडी, आपको दिखेगा क्या पता नहीं, मुझे ऊपर दिख रहा है आपको, नंबर दिख रहा है ऊपर? नहीं, बहुत लाइट है, दिख रहा है क्या? नो मैम। अच्छा, ये फ्री एजेंट लिखा हुआ दिख रहा है बहुत छोटे में, दिख रहा है? दिख रहा है फ्री एजेंट लिखा हुआ? That is the product name. तो ये सब उसका स्पेसिफिकेशन है। मैं दुकान में जाके ऐसे बोलूंगी क्या, श्रुति मैम के पास जो काला कलर का हार्ड डिस्क था ना वो देना, उसको समझेगा क्या? नहीं। So you should have the specifications with you. I want this company's free agents, how many ever terabyte, जो भी terabyte है, ये इसमें तो बहुत memory, terabytes hard disk, I want. उसके हिसाब से वो आदमी देगा। समझ में आया specifications क्या क्या है? Yes, ma'am. Yes. So this was it about computer fundamentals. Easy है, बोलना easy है, आपको ये सब theory learn करना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया computer fundamentals? Yes, ma'am. अच्छा, any doubt, कुछ भी doubt है पूछना, कोई भी, कभी भी। अभी अभी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो जब जब अभी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो, मैं, मेरा ये डाउट है, आई विल रिप्लाई। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? द क्लासेस विल बी ओवर इन फ्यू सेकंड्स, तो हम मंडे को वी विल स्टार्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम पेपर 1। ओके, एंड वी विल हैव क्लास एवरी डे नाउ, fine. So I'll just put one link and you continue join using that link from Monday to Friday, because I'm trying to finish as much as I can. Fine, clear hai? So yeah, that you are free for studying. Clear? Chalo. Should we stop here now? Yes, ma'am. Okay, chalo. Bye. Have a nice day.